नमस्कार, YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ चश्मा हटाने और आंखों की रोशनी बढ़ाने के उपाय। आज के समय में ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत है। ऐसा होने की प्रमुख वजह हमारी लाइफस्टाइल ही है। दिन के 8 से 10 घंटे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर बिताते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी आँखों को पूरा आराम नहीं मिल पाता है, एक और आंखों को रेस्ट नहीं मिलता और स्ट्रेस बना रहता है। वहीं दूसरी ओर हमारी डाइट में भी ऐसा कुछ नहीं होता जिससे आंखों को पोषण मिल सके। अब सवाल ये उठता है कि आंखों को सेहतमंद कैसे रखा जाए, तो आइए जानते हैं आंखों को सेहतमंद रखने का उपाय। इससे मिलेगी आंखों को नई चमक। इलायची को अनदेखा न करें। इलायची शरीर के तापमान को संतुलित रखने का काम करती है। इसके नियमित सेवन से आंखों को ठंडक मिलती है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। आप चाहे तो इलायची और सौंफ को पीसकर पाउडर तैयार कर सकते हैं। इस पाउडर को ठंडे दूध में मिला के पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंवला है सबसे जरूरी। आंवला आंखों के लिए वरदान है। इसमें मौजूद तत्व आंखों की रोशनी को सालों साल तक बनाए रखते हैं। आप चाहे तो कच्चे आंवले को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह खाली पेट आंवले का रस पीना या फिर आंवले का मुरब्बा खाना भी फायदेमंद रहेगा। अखरोट है बहुत कमाल की चीज़। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। अखरोट में मौजूद विटामिन ई और फैटी एसिड आँखों की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आंखों को लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए डाइट में अखरोट को शामिल करना न भूलें। गाजर का जूस। गाजर का जूस पीना सेहत के लिए तो अच्छा ही है, साथ ही आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। रोजाना एक ग्लास गाजर का जूस पीने से आंखों पर चढ़ा चश्मा तक उतर सकता है। बादाम भिगोकर खाना रहेगा फायदेमंद। पानी में भीगे हुए बादाम खाने के बहुत से फायदे आपको पता होंगे, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि बादाम को भिगोकर खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। आयरन से भरपूर साग सब्जियां। सब्जियां हर तरह से फायदेमंद होती है। अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।